कुकिंग ऑयल एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कुकिंग का और लगभग हर मील में हम इसे यूज करते ही हैं। इसीलिए जिस भी कंटेनर में हम अपने ऑयल को स्टोर करके रख रहे हैं उसका सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सही ऑयल डिस्पेंसर या ऑयल पोरर को चूज करने के कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी कुकिंग को और भी कन्वीनियंट और इंजॉयबल बना सकते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे ऑयल डिस्पेंसर का मटेरियल कैसा होना चाहिए जो ड्यूरेबल होने के साथ साथ सेफ भी हो। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लास्टिक के ऑयल पोरर की जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि प्लास्टिक हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, बट एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज की अगर बात करें तो प्लास्टिक जो मटेरियल है अपने आप में काफ़ी लाइट वेट होता है और गिरने पर टूटने फूटने का चक्कर भी नहीं होता। एट द सेम टाइम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी सस्ते होते हैं। मार्केट में वैरायटी ऑफ ग्लास ऑयल डिस्पेंसर्स अवेलेबल है विद डिफरेंट शेप, साइज एंड पैटर्न्स। प्रोस की अगर हम बात करें तो इन ग्लास ऑयल डिस्पेंसर को क्लीन करना बहुत ही आसान होता है, ये फंक्शनल भी होते हैं और एस्थेटिकली हमारे किचन में बहुत ही प्लीजेंट लगते हैं, बट एट द सेम टाइम ये हैंडल विद केयर भी होते हैं। क्योंकि हम इनमें ऑयल स्टोर करके रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि थोड़ा ना थोड़ा ऑयल तो इसकी सरफेस पर लग जाए जिससे ये स्लिपरी हो जाते हैं। अगर ये हमारे हाथ से स्लिप हो गए तो इनके टूटने का भी डर रहता है। स्टेनलेस स्टील की खास बात यह है कि ये फूड ग्रेड मटेरियल के होते हैं, इनकी क्लीनिंग आसानी से हो जाती है, ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, अगर गिर भी जाए तो टूटने फूटने का डर भी नहीं रहता और साथ ही आप इसमें गर्म तेल को भी स्टोर करके रख सकते हैं। मटेरियल सिलेक्शन के बाद बारी आती है कैपेसिटी की। कितनी कैपेसिटी का ऑयल पोरर या ऑयल डिस्पेंसर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, 250 ml, 500 ml या 1 लीटर। फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स के लिए 250 ml का जो ऑयल पोरर है वो थोड़ा छोटा पड़ेगा। ऑब्वियसली आप इसे यूज तो कर सकते हैं पर इसे आपको जल्दी जल्दी रिफिल करना पड़ेगा। 1 लीटर कैपेसिटी के ऑयल डिस्पेंसर में कुकिंग ऑयल तो ज्यादा आ जाएगा, साथ ही उसे आपको बार बार रिफिल भी नहीं करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसका वेट भी ज्यादा हो जाएगा। खाना बनाने की जल्दबाजी में उसे बार बार उठाना रखना, और अगर आप ग्लास बॉटल यूज कर रहे हैं तो ग्लास का वेट भी अपने आप में ज्यादा हो जाता है, इसे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और ये काफी रिस्की भी होता है। मेरे लिए एक 1 लीटर कैपेसिटी के ऑयल डिस्पेंसर कन्वीनियंट नहीं है और मुझे जो सबसे अच्छे लगते हैं वो है 500 ml कैपेसिटी के ऑयल डिस्पेंसर, जो कैपेसिटी और साइज वाइज एकदम अप्रोप्रिएट होते हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इन्हें रिफिल भी नहीं करना पड़ता और अगर आप ग्लास बॉटल भी यूज कर रहे हैं तो इन्हें आराम से हैंडल कर सकते हैं। कई बार मैं कमेंट सेक्शंस में पढ़ती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस तो बहुत पसंद आते हैं, आप लाइक भी इसे करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही घंटी को जरूर बजाइए ताकि आगे आने वाले अर्बन रसोई के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ थर्ड पॉइंट है क्लीनिंग। क्योंकि हम इन डिस्पेंसर्स में ऑयल रखते हैं जो डे टू डे यूज से काफी ग्रीसी हो जाता है और टाइम टू टाइम हमें इन्हें क्लीन भी करना पड़ता है, इसीलिए ऐसा ऑयल डिस्पेंसर चूज करें जिसकी क्लीनिंग आसान हो। अगर ऐसा नैरो नेक है डिस्पेंसर का तो ब्रश भी इसमें इजीली इंसर्ट नहीं हो पाएगा और हमें इसे क्लीन करने में मुश्किल होगी, इसके लिए आपको एकदम नैरो वाले ब्रश का यूज करना पड़ेगा। इस तरह की बॉटल्स को फिर भी इजीली क्लीन किया जा सकता है क्योंकि इसका नेक थोड़ा सा वाइड है जिसमें ब्रश इजीली इंसर्ट हो जाता है। पर अगर क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डिस्पेंसर्स बेस्ट हैं जिन्हें बाकी बर्तनों की तरह आप विदाउट ब्रश क्लीन कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट है ड्रिप फ्री डिजाइन। डिस्पेंसर का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए जो लीकेज और स्पिलेज को कम करे और हमारे कुकिंग एक्सपीरियंस को और भी एलिवेट करे। इस तरह के नोजल्स में स्पिलेज नहीं होता है, साथ में छोटा सा कवर भी है जिससे इसे डस्ट फ्री रखा जा सकता है। इस तरह के डिस्पेंसर से ऑयल पोर करने के बाद थोड़े से ड्रॉप्स बाहर आते हैं, पर इसके कवर में एक होल दिया हुआ है जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो वापस डिस्पेंसर में ही चला जाता है, पर फिर भी थोड़ा सा ऑयल इस सरफेस पर रहता ही है जिससे अंदर से ये थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। इस तरह के नोजल्स भी अच्छे होते हैं, इनमें भी स्पिलेज नहीं होता अगर प्रॉपर एंगल से इनसे ऑयल पोर किया जाए तो। इन सभी पॉइंट्स के साथ ऑयल का पोर्शन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है।
बॉटल का जो नोजल है वो नैरो होना चाहिए, अगर वो वाइड हुआ तो उससे ऑयल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा। अपने मील्स में ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रेडिशनल ऑयल डिस्पेंसर सबसे अच्छे होते हैं। इस तरह का स्पून इसमें डालकर रखिए जिससे लिमिटेड अमाउंट में ही ऑयल यूज होगा, और अगर आप डीप फ्राइंग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में चाहते हैं तो डायरेक्ट इससे पोर भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें हर बार एक्सपेंसिव ऑयल डिस्पेंसर खरीदने ही पड़ेंगे, हम घर में भी DIY ऑयल डिस्पेंसर इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये नोजल्स ऑनलाइन परचेज किए थे जो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने ग्लास ऑयल पोरर में देखे थे। हमारे घर में रखी हुई कोई भी एम्प्टी केचप बॉटल, वाइन बॉटल या ऐसी कोई भी ग्लास बॉटल जिसका नैरो नेक हो उसमें ये आराम से लग जाते हैं, और इन बॉटल्स को आप एज अ ऑयल डिस्पेंसर यूज कर सकते हैं। मेरे किचन में मैं दो तरह के ऑयल्स यूज करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल को इस ट्रेडिशनल स्टेनलेस स्टील के डिस्पेंसर में रखती हूँ। सेकंड है ये स्टेनलेस स्टील का डिस्पेंसर जिसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील की है और जो नोजल है वो सिर्फ प्लास्टिक का बना हुआ है। हमारे घर में मेरे अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स भी किचन में काम करते हैं, इसीलिए मैं ग्लास की जगह स्टेनलेस स्टील के डिस्पेंसर्स को ही प्रेफर करती हूँ। इन दोनों के अलावा एक ऑयल स्प्रेयर भी है जिसमें ग्राउंडनट ऑयल रहता है जो डोसा, चीले, अप्पे, पराठे बनाते समय काम आता है। इसमें ऑयल जो है वो मिस्ट के रूप में यूज होता है, स्प्रे नोजल होने से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और स्पून यूज करने के कंपैरिजन में बहुत ही कम ऑयल यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। हर ऑयल डिस्पेंसर के अपने कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसीलिए हमेशा अपनी पसंद के साथ साथ अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही ऑयल डिस्पेंसर को चूज करें। वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कॉमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।